Discuss the economic principles relevant to managerial economics or relationship of managerial economics with decision sciences. Or managerial economics is often used to help business students integrate the knowledge of economic theory with business practice. How is this integration accomplished in your point of view? What role do you think does the subject play in shaping managerial decisions? So basically, the question is ki how economic principles are applicable to managerial decisions, or yeah, you can say how they are connected with the economic principles are connected with the managerial decisions. So the first point is division of labor. As we know ki jo division of labor hai, economic concept hai, ye batata hai ki हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको डिवाइड कर देते हैं लेबर में, कैसे, ताकि जितना भी जो भी वर्क है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए. एज फॉर एग्जांपल, अगर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ शर्ट, ठीक है, शर्ट्स का बिजनेस है, अगर हम शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वन सेगमेंट ऑफ लेबरर्स विल मेक ओनली द कफ्स ऑफ द शर्ट, दूसरे बनाएंगे उसका कॉलर, थर्ड विल मेक द बॉडी, फोर्थ जो बटन्स हैं वो उसके उस पर टक करेंगे शर्ट पे, फिफ्थ बनाएंगे होल्स जिसमें कि बटन टक करने होते हैं. तो दिस इज द वे कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि जो वर्कर्स हैं वो स्पेसिफिक टास्क पर फोकस करें. ये नहीं है कि हर वर्कर को एक शर्ट बनाने को दे दी. तो एवरी वर्कर इज डूइंग देयर पार्ट ऑफ वर्क. जो जिसको कॉलर कहा है वो कॉलर ही बनाएगा. सो टू डिवाइड द वर्क इन सच अ वे कि एक कुछ जैसे कि एक पार्ट ऑफ वर्कर्स एक स्पेसिफिक टास्क ही करेंगे. अगर वर्कर्स ऐसे कंसंट्रेट करेंगे स्मॉल टास्क पे तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, और जो क्वांटिटी है जो वो भी ज़्यादा होगी. जो आउटपुट निकलेगी, जितना इनपुट है उससे जो आउटपुट है वो ज़्यादा ही मिलेगी, बिकॉज जितना भी वर्कर स्मॉल टास्क पे कंसंट्रेट करेंगे वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे ऑब्वियसली, और डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाएगी एट द सेम टाइम. नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अगर हमारे पास सपोज दो अल्टरनेटिव्स हैं और हमने एक दो ऑप्शंस हैं, हमने एक चूज कर लिया, तो इट मींस कि अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ चूजिंग दैट अल्टरनेटिव ओवर द अदर. अगर हमने हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं वन एंड टू और हमने टू चूज कर लिया, मींस वी हैव फॉरगॉन द फर्स्ट अल्टरनेटिव, इट मींस कि टू फॉरगो द फर्स्ट अल्टरनेटिव इज द कॉस्ट ऑफ सेकेंड अल्टरनेटिव. तो इस कंसेप्ट के थ्रू हम जितने भी अल्टरनेटिव्स हमारे पास बिजनेस के पास अवेलेबल होते हैं, हम उसमें से चूज कर सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव क्या होगा बिजनेस के लिए अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उस जो हमने ऑल्टरनेट फॉगो किए हैं उनकी, मतलब हमारे हमने जो उनके अगेंस्ट जो हमने ऑल्टरनेटिव चूज किया है उस ऑल्टरनेटिव की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. थर्ड पॉइंट इज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल. इन केस ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल हमें ये पता लगता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है इन टर्म्स ऑफ जितनी उसके पास लिमिटेड इनकम है वो उसको डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे स्पेंड करता है, कि जो लास्ट यूनिट उसने स्पेंड किया है हर एक गुड एंड सर्विस पे उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है. तो बेसिकली इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करती है हमें कि हम बिहेवियर कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको जज कर सकें कि वो किस वे में अपनी जो लिमिटेड इनकम है उसको डिवाइड करता है ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम मींस जो शो करता है हमें डिमांड कर्व, जो मैक्सिमम प्राइस बायर
पे करना चाहता है अगेंस्ट द क्वांटिटी ही इज परचेसिंग, मीन्स कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, जहां पर डिमांड और प्राइस इंटरसेक्ट करते हैं, तो बेसिकली इट शोज द एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर कि बायर भी इस प्राइस पे, स्पेसिफिक प्राइस पे इतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और सेलर भी उसी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, दैट स्पेसिफिक क्वांटिटी सेल करना चाहता है. तो दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स. सो अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स इकोनॉमिक लॉ क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक लॉ. इट स्टेट्स दैट अगर एक इनपुट को हम इंक्रीज कर देते हैं और बाकी के इनपुट्स कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, तो फाइनली ऐसे पॉइंट, इट द पॉइंट दैट पॉइंट विल बी रीच्ड जिस पे जो मार्जिनल आउटपुट है वो डिक्रीज कर जाएगा. तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट दैट अगर एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम ऐड करते हैं और बाकियों को कांस्टेंट रखते हैं, देन इट विल लेड टू डिक्रीज इन मार्जिनल आउटपुट. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्म है, एक लैंड है, उसने जो फार्मर है उसने वहाँ पे लेबरर्स एम्प्लॉय किए और जो लेबरर्स हैं वो सफिशिएंट हैं कि जितनी उस लैंड से आउटपुट आ सकती है वो लेबरर्स को एम्प्लॉय करने से मैक्सिमम आउटपुट आ रही है पर वर्कर. अगर वो एक और वर्कर हायर कर लेता है तो जो कम्बिनेशन है लैंड एंड लेबर का वो इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो न्यू लेबर हायर करने से ओवरऑल आउटपुट है उसकी एक्सपेंशन क्या है, घट जाएगी पर यूनिट ऑफ लेबर. तो हम कह सकते हैं कि देयर कैन बी अ लिटिल मोर इंक्रीज इन द आउटपुट, पर जो पर यूनिट आउटपुट है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी कंपैरेटिवली जो पहले यील्ड मिल रही थी फ्रॉम जितने पहले वर्कर्स एम्प्लॉयड थे. मींस कि एडिशनल वर्कर की, लेबर की मार्शल प्रोडक्टिविटी क्या कर गई, फॉल कर गई. एंड बिकॉज ऑफ दैट द आउटपुट पर वर्कर वुड देयरफॉर फॉल. अनदर पॉइंट इज डिमांड थ्योरी. तो डिमांड थ्योरी क्या स्टडी करती है? डिमांड थ्योरी स्टडी करती है द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. दैट इज जो कंज्यूमर्स हैं वो एक कमोडिटी को बाय क्यों करते हैं, कितना बाय करते हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं, इनकम क्या है, और जो ग्रुप अवेलेबल है, कंज्यूमर ग्रुप है जो वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वो कौन सा ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, पुअर इनकम ग्रुप है, या रिच इनकम ग्रुप है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एट्सेट्रा. सो बेसिकली जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है वो इट इज द स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बेसिकली द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन एनालिसिस. प्रोडक्शन एनालिसिस में कवर होते हैं कि प्रोडक्शन और उसकी कॉस्ट, उस उन प्रोडक्शन और कॉस्ट के एनालिसिस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर एक बिजनेस की हम स्मूथ फंक्शनिंग चाहते हैं. इससे पता लगता है कि कि हम एनालाइज करते हैं कि हमें मिनिमम कितनी प्रोडक्शन चाहिए और उसकी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए कि हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकें. यू कैन से कि मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी. तो उस आउटपुट को अर्न करने के लिए डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, विच विल फर्दर हेल्प द बिजनेस टू एनालाइज कि बिजनेस के पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उनकी कुछ कुछ इनपुट्स होते हैं जो जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. ठीक है, तो ये एनालाइज करना कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है जिसपे हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. अनदर पॉइंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एज वी नो कि हर हर बिजनेस का मेन एम क्या होता है,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट होता क्या है बेसिकली, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितना ज्यादा इन चीजों में डिफरेंस होगा मींस उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो जो भी प्रॉफिट होता है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, ठीक है, कितना कंपटीशन फेस कर रहा है एक बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना कंपटीशन फेस कर रहा है मार्केट में और किस तरह का कंपटीशन है। इट इज वेरी स्वियर और मींस व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंपटीशन एंड क्या चेंजिंग, व्हाट आर देयर एनी चेंजिंग कंडीशंस, इज देयर एनीथिंग गेटिंग चेंज्ड इन द मार्केट और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हाउ इज कंज्यूमर रिएक्टिंग टू द प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है टूवर्ड्स यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर बिजनेस प्रॉफिट थ्योरी यूज करता है तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द अर्निंग एफिशिएंसी। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट थ्योरी यूज करेंगे तो द बिजनेस विल कम टू नो कि हाउ मच कैन बी अर्नड इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और उसको हम एनहेंस कैसे कर सकते हैं और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इज इनकम एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि जो इनकम एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम है ये बहुत सारे कनेक्टेड या रिलेटेड सब्सिडरी प्रिंसिपल्स को अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजों की स्टडी की जाती है, एज फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन फेलियर, ठीक है, इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं लाइक कि मल्टीप्लायर है, अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज हैं। सो दीज आर द वेरियस स्टडीज जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर द स्टडी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम।